नगर परिषद सुजानपुर में अध्यक्ष पद पर उपजे विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सुजानपुर पहुंचे धूमल ने कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव वार्ड पार्षदों की सहमति से होगा। वार्ड पार्षद ने अध्यक्ष को बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अगर वर्तमान में जो अध्यक्ष कार्य कर रहे हैं उन्हें ही दोबारा अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तमाम फैसला वार्ड पार्षदों के हाथ में है। नगर परिषद सुजानपुर के गठन के दौरान भाजपा सरकार ने ऐलान किया था कि नगर परिषद अध्यक्ष पद 2.5 साल के लिए दिया जाएगा। 2.5 साल पूरा होने के बाद किसी नए चेहरे को अध्यक्ष पद के लिए चुना जाएगा। वर्तमान में जो नगर परिषद के अध्यक्ष कार्य कर रहे हैं उनका कार्यकाल 20 जुलाई को खत्म हो रहा है। ऐसे में नए अध्यक्ष का बनना तय है, लेकिन वर्तमान में जो अध्यक्ष नगर परिषद का कार्यभार संभाले हुए हैं उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र न देने की बात कही। कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान जो विकास कार्य चले हुए हैं उन्हें पूरा होने के बाद वह खुद त्याग पत्र दे देंगे। इस तरह की शर्तें सामने आने के बाद शहर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और ये बात खुलकर सामने आ रही है कि अध्यक्ष पद में जो सर्वसम्मति के लिए व्यक्ति विशेष को मिलना था अब उसके लिए जोर आजमाइश करनी पड़ सकती है। इसके बारे में कुछ बार पार्षद पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से विश्राम गृह सुजानपुर में मिले और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत करवाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस विवाद में अपने आप को न डालते हुए सारी जिम्मेदारी बार पार्षदों के कंधों पर छोड़ दी है। वह सारी जानकारियां देना, उज्ज्वला योजना के बारे में लोगों को जानकारी देना, मनरेगा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देना, अटल पेंशन योजना के बारे में बताना, जनधन योजना के माध्यम से लोगों का खाता खुलवाना, ये अनेकों योजनाएं जिनको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब जैसे आपने पिछली बार देखा था हमारे सांसद ने दो कार्यक्रम जन भलाई के शुरू किया जो केवल मात्र एक मात्र सांसद है सारे देश में, उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के लिए किया है। एक खेल महाकुंभ, समाज में कुछ लोगों की नेगेटिव सोच है जो नकारात्मक सोचते हैं तो बच्चों को नशे की दुनिया में धकेलते हैं, शराब पिलाएंगे, नशे की लत डाल देंगे, बच्चा शारीरिक तौर पे अक्षम हो जाएगा और फिर वो ना फौज में भर्ती होने का रहेगा ना पुलिस। हजारों नौजवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, क्रिकेट, 6-7 गेम्स में। तो जो बच्चे कभी खेल के बाद जाते जाते भी इच्छा पे खुली है और वो अच्छे खिलाड़ी बन रहे हैं और प्रयास रहेगा कि जो बच्चे अच्छे निकलेंगे उनको आगे भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए प्रेरित किया जाए, मदद की जाए। दूसरी योजना सांसद स्वास्थ्य मोबाइल सेवा योजना के तहत 40 प्रकार के टेस्ट मुफ्त में घर द्वार पे जाके लोगों को हो रहे हैं, हजारों लोग उसको भी टेस्ट करवा रहे हैं। जिस चुनाव क्षेत्र में गाड़ी दे रही है चुनाव क्षेत्र वाले गाड़ी मांग रहे हैं कि हम, और कई मामले ब्रेस्ट कैंसर के भी सामने के माध्यम से आए क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट का प्रबंध पहले हमारे पास है ही नहीं था बहुत सारे हॉस्पिटल में। तो इन योजनाओं के बारे में भी हमारा कार्यकर्ता जब जानकारी देता है तो उसका लाभ भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोग उठा रहे हैं। इस तरह की अनेकों योजनाएं जो है वो हम पहुँचा रहे हैं, कोशिश हमारी है लोगों के लिए जो सुविधाएं जो नीतियां जो प्रोग्राम लाए गए उनको लागू किया जाए। सर 2019 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर क्या तैयारियां अब तक हुई हैं, आने वाले समय में कैसा रहेगा? पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, हमारा संगठन लगातार ये काम कर रहा है। अभी 2-3 दिन पहले भी दौरा ग्रुप बैठक हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे देश का दौरा कर रहे हैं, तो हिमाचल भी आए और जो जो आवश्यक होगा चुनाव की तैयारी के लिए किया जा रहा है कर रहे हैं। सर सुजानपुर में विकास कार्यों को लेकर लगातार आरोप लगता है कि हर काम को दबाया जा रहा है, या अभी तक 6 महीने हो गए हैं लेकिन सुजानपुर में अभी तक कुछ हुआ नहीं, इसके पहले 5 साल में क्या हुआ था?
जो आजकल नहीं होता है। इसलिए जिन लोगों को आलोचना करनी हो करते रहे, हम उसमें चर्चा में नहीं पड़ते। हमको काम रुकवाते नहीं, पता लगता है वो काम रुक रहा है तो उसको शुरू करवाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि विकास कभी कभी भी राजनीतिक आधार पर और वर्गत राजनीति पर नहीं होता। सड़क जब बनती है तो बीजेपी के, कांग्रेस के, कम्युनिस्टों के, हर पार्टी के लोग उस पर चलते हैं। स्कूल संस्थाएं जब खुलती है एजुकेशन की तो सबके बच्चे पढ़ते हैं, कोई हॉस्पिटल अच्छा होता है, सबका इलाज वहाँ होता है। टेस्ट सांसद वाले जो योजना चली है तो केवल बीजेपी वालों का टेस्ट थोड़े वहाँ हो रहा है, वहाँ कोई भी आता है उसका टेस्ट होता है, फ्री में होता है।